हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक्चुअली में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संगीता। तो आज मैं फिर से आप सभी के साथ लेकर के आ गई हूँ साड़ियों का कलेक्शन। जी हाँ, तो कमेंट एक दो लोगों का कमेंट आया था कि आप फिर से साड़ियों का कलेक्शन दिखाइए। और हाँ, जब पिछले वीडियो मैंने साड़ी का कलेक्शन दिखाया था तो उसमें से सभी को जो साड़ियाँ पसंद आई थी वो मैरून कलर की साड़ी पसंद आई थी। तो वो थी मेरी फ्लिपकार्ट से, थी मेरी सिस्टर ने दिया था, लेकिन वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके उन्होंने मुझे दिया था। तो जो कि सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो आज मैं फिर से ढेरों साड़ियाँ लेकर, ढेर दो तो नहीं बोलूँगी क्योंकि एक दिन में इतना कुछ मतलब नहीं दिखा सकते। तो मैं फिर से आ गई हूँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर के आप सभी के साथ, साड़ी की कलेक्शन फिर से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ, कौन सी साड़ी से स्टार्ट करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ, कोई बात नहीं, दिखाने तो सारे ही। ये देखिए, मैंने आपसे अभी से बोला था कि मेरे पास येलो और रेड कलर की बहुत सारी साड़ियाँ मिल जाएंगी। तो जी हाँ, कल आपको मैंने दिखाया था, शायद दो दिखाया था, और आज एक ये है और बाकी भी पड़े हुए हैं, तो उसको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। ये दो कलर में है, देखिए, जो काफ़ी हैवी साड़ी है, पार्टी वियर है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। पूरे इस तरीके से इस पर ना वर्क हुआ पूरा एकदम साड़ी में। ये देखिए, और ये पहनने पे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगती है साड़ी। तो इस तरीके से है ये, और अगली जो मेरी साड़ी है वो ये है, गोल्डन एंड ब्लू कलर में है। आप लोग अभी इसे नहीं देखा होगा पहनते हुए क्योंकि मैं अभी सिर्फ इसको एक ही बार पहनी हुई हूँ, और वो भी सब जब बेटी हुई थी ना तो नामकरण फंक्शन में मैं पहनी हुई थी। तो हमारे यहाँ ना जब पूजा वगैरह होता है नई बिल्कुल साड़ी चाहिए होता है, तो बस मैं वही बस पहन के फिर उसके बाद से दोबारा पहनी नहीं, क्योंकि इसका ब्लाउज थोड़ा सा ना ठीक सा नहीं है। तो कहते हैं ना साड़ी कैसे भी हो लेकिन ब्लाउज अगर अच्छा बन जाता है ना तो फिर साड़ी का अलग ही लुक जाता है। तो वही बस मेरे साथ ही हुआ है, इसका ब्लाउज थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो जिस कारण ये साड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन ब्लाउज के कारण मैं इसको पहन नहीं पाती हूँ। तो देखती कुछ करती हूँ और ब्लाउज को ठीक करूँगी तो हो जाए। और ये ना सारे में इसी तरीके से है, सारा इतना ना हाफ तक इतना पूरा यही डिज़ाइन है सारे साड़ियों में पूरा। ये देखिए पीछे भी, और नीचे नेट, आपको ये वाली नेट मिल जाएगी। और जो मेरी अगली साड़ी है वो है, इसको मैंने खुद खरीदा हुआ था, यही लोकल मार्केट से ली हुई थी मैं। और ये है ग्रीन और ब्लू कलर में साड़ी है, जो कि सिल्क कपड़े में है। और ये साड़ी मैंने ली थी जैसे शादी वगैरह कहीं पड़े तो हल्दी फंक्शन वगैरह के लिए मैंने ले रखा है इसको पहनने के लिए, सॉरी हल्दी नहीं, मेहंदी फंक्शन के लिए। एक साड़ी मेरी ये है जो कि इसका कलर काफ़ी प्यारा है, बहुत ही मुझे पसंद आता है। और अभी इस पर आप सब ने वीडियो भी मेरी देखी होगी, कुछ नई वीडियो थी मैंने कुछ बनाई थी। हाँ आगे, हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, देखो हमें सिखा रही है मम्मा, आप बोलो हेलो फ्रेंड्स। क्या बोलो मैं? हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आ गई मेरी छोटी सी, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आ गई है, जो कि साड़ी का कलेक्शन आप सभी के साथ शेयर कर रही है। हेलो कह दिया उन्होंने भी, बोल दिया हेलो पूर्वी। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं जो दिखा रही थी ना, ये साड़ी दिखा रही थी, तो ये सितारे है, ये सितारे वाली साड़ियां हैं, लोगों को पसंद नहीं आती बट ये अच्छा जी ठीक हो। तो ये साड़ी ना बहुत ही मतलब ये बिल्कुल चुभती नहीं, बहुत ही सॉफ्ट वाली है साड़ी, तो मैं इसको पहनती रहती हूँ बीच बीच में। आपने इसको कई बार हमें देखा होगा पहनते हुए। रुको रुको रुको, आप यही रहो, आप यही रहो, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ बेटा, ये कलर पिंक नहीं है,
तो अगली साड़ी जो है मेरी ये है, जो कि फिर से ये भारी है, थोड़े स्टोन में है, ये भी थोड़े नहीं बहुत ही ज्यादा हैवी है। इसको पहन के ना, हाँ बेटा इसको पहन के ना हम काम नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही हैवी साड़ी है। हाँ बेटू हो चुकी मेरी साड़ी की लगती है, ये देखिए इस तरीके से सारी साड़ी मतलब पूरा है, काफी भारी है और मैं इसको काफी दुल्हन बनाओगे? अभी बना देना दुल्हन, रुक जाओ। और मेरी अगली जो साड़ी है जो लास्ट है अभी ये दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि बाकी बाद में दिखा रही, छोटी आ गई ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। रुको रुको बस सुनो, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं अगला जो और बाकी जो साड़ियाँ मैं अगली वीडियो में बना के दिखा दूँगी, क्योंकि छोटी आ गई तो बिल्कुल मेरे को दिखाने नहीं देंगी। ये देखिए मैंने किसी तरीके से उलझा रखा है ये लास्ट साड़ी दिखाने के लिए, तो बस बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है बनाना वीडियो। तो ये जो मैं लास्ट साड़ी दिखा रही हूँ ना, ये देखिए बहुत ही मतलब थोड़ा सा ये भी सिल्क के कपड़े में, जो कि काफ़ी सुंदर है, और ये गिफ्ट मिला था हमें भाभी की तरफ से, भाभी ने दिया था अपनी शादी में जब पहली बार आए थे तो हम लोगों को दी थी। तो इसका कलर देखो बहुत ही प्यारा, और इसमें छोटे छोटे ये ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं जिससे स्टोन थोड़ी छोटी सी लगी हुई है, और इसकी फ़ोटो होगी तो मैं जिस जिस साड़ी की मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं सभी की फ़ोटो लगा दूँगी, मतलब कौन सी साड़ी में कैसी पहने तो कैसा लग रहा है। वैसे तो फिलहाल मुश्किल हमें लग रहा होना, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बिल्कुल भी नहीं बचते फ़ोटो वगैरह, इसकी फ़ोटो ज़रूर होगी तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। और जो एक साड़ी और है मैं बताती हूँ कौन, जो कि मैं पहनी हुई हूँ, जो कि ब्लैक एंड रेड कलर में है, जो कि बहुत ही प्यारा है। मैं इसका दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊँ मैं, पूरी साड़ी में इस तरीके के डिज़ाइन बने हुए दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बने हुए हैं पूरे साड़ियों में, जो कि काफ़ी पसंद आती है सभी लोगों को, बहुत ही अच्छी लगती है साड़ी, हमें भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखो मेरी गाइस पहुंच गई, मेरी गाइस पहुंच गई, चलो अब हम बैठे मम्मा से बात करेंगे। अच्छा तो ये साड़ी हमें दी थी मेरी भाभी दी थी, जो कि बहुत ही प्यारी साड़ी दी थी ये भी, और थैंक यू भाभी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इतना प्यारा सा साड़ी देने के लिए, क्योंकि ये साड़ी ना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है बहुत ही ज़्यादा, और मैं इस साड़ी को सिर्फ शनिवार को ही पहनती हूँ, क्योंकि शनिवार में थोड़ा सा ब्लैक पहनते हैं ना, तो इस वजह से मैं इस साड़ी को शनिवार को ही पहनती हूँ। छोड़ दो लाओ, तो आई होप कि आप सभी को मेरी साड़ी की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं और ऐसे कलेक्शन देखने हैं आप सभी को तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे भगवान, और गाइस छोटी की बातें भी सुननी है ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या करना है शेयर करना है, फटाफट शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ।